तुम्हें बसा आशे उगड़ू ना सा समय इतना बड़ा बहुत बड़ा है यार हाथ तो जरूर दिखाया मैंने तू टेंशन हे गाइस वेलकम टू मायाज बजिंग व्लॉग्स। शायद गॉसिप करने का इरादा दिल में आया है इसलिए हमारी फ्रेंड ने हमें पॉटलक पे बुलाया है। वाह वाह क्या बात है, चलो चलते हम लोग मेरी फ्रेंड के घर पे यमी यमी खाना खाने। अब मैं पहुंच चुकी हूँ मेरे फ्रेंड के घर पे। ये मेरा फर्स्ट पॉटलक है। ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन मेरी सखियों ने बनाए हैं, है ना दिखने में लाजवाब। ये सब देख के मुझे और जोर से भूख लग रही है। ये मोहतरमाए ऊपर ऊपर से हाय करते हुए क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो खाने पे ही है। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। पॉटलक का ये अच्छा है कि सब लोग अपने अपने घर से अलग अलग डिशेस बना के लेके आते हैं और एक साथ मिलके खाते हैं। मुझे तो ये ऑप्शन अच्छा लगता है, इससे वैरायटी भी खाने को मिलती है और सबका खाना बनाने का तरीका भी अलग होता है, इसीलिए टेस्ट भी डिफरेंट होता है। इतना बड़ा बहुत बड़ा है यार वो तो। हाँ, वाला छोटा वाला दे दे मेरे को, बड़ा वाला नहीं। ओके मंगल आपने क्या बनाया? मैंने इडली डोसा सांभर चटनी। किधर दिख तो नहीं रहा है। चुप कर। हाँ ठीक है, और तूने क्या बनाया कप्पू? चटनी तेरे जैसा ही। और तूने क्या बनाया? ये देखो रिंकू बना रही है चाट। वाह क्या बात है भाई। हाँ और तूने क्या बनाया? और मैंने बनाया है ये छेना खीर। इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन वो भी जीरू पे करने के बाद मुझे ये यकीन तो हो गया कि हम लोग कौन से भी टॉपिक पे लंबा चौड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए इसलिए हम लोग खा रहे हैं छेना खीर। इतना सब खाने के बाद अब डांस तो बनता है, नहीं तो खाना ही हजम नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। बाय।